जोहर टाइम नमाज के बाद आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसा जा रहा है पहला रोजा? माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखो बढ़िया से नमाज भी पढ़ा माशाल्लाह, पारा भी पढ़ा था सुबह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही है। आपसे आपसे तो मिलकर बहुत अच्छे लगते हैं। धूल अंदर आती है, लॉक करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। चले मार्केट सामान लेने। गाड़ी एक जगह लगा दी है, अभी पैदल पैदल चल के सारी चीजें खरीदते हैं। सब्जी ले ली, अभी ले लेते हैं फ्रूट। मीठा निकाल दो, मीठा टाकी लगा के दे। लाल है, अरे सब्जी भी हो गई, फ्रूट्स भी हो गए, चलते अब आगे। आ चुके हैं घर, अभी असर पड़ेंगे, उसके बाद हम करेंगे दाल की तैयारी शुरू। और घर में आज बहुत अच्छा कुछ खाना बन रहा है, बाहर तक खुशबू आ रही है। ये तो सारा सामान ले गया, इसको उठाना पड़ेगा। हाँ लाओ, मैं पकड़ा दो, तो मैं भी मदद कराती हूँ। सबसे ज्यादा भारी वाला मैंने उठाया सामान। पहले हम भी पढ़ के आते हैं, पढ़े नमाज। सलाम, रोजा है रखा है? अच्छा जब है जब है। न्यू चॉपिंग बोर्ड यूज करेंगे। हाँ भाई, पहले रमजान भी क्या है आज स्पेशल हम लोगों के लिए बताओ? आज कुछ नहीं है, बस ऐसे ही काम चलाओ चीजें, बस ब्रेड पकौड़ा बना रही हूँ। और मेहर भी आई है और मेहर का भी रोजा है माशाल्लाह। ये कैसे कड़ी पत्ता है? ये फलसा हुआ है, देसी, बहुत अच्छी खुशबू है। देखो देखो, पुरानी फलसी हट गई है, ये नया है जमा है। अच्छा, स्टार्ट का टाइम नहीं बिल्कुल भी। आपका काम है फल काटना, हम भी कटवा लेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े तुम काट लो। कोई दिक्कत नहीं, मैं काट लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बनाएगा शरबत? चलो जल्दी जल्दी सारी तैयारी कर लेते हैं। आटा किस लिए है? ये अच्छा है आटा, आटा बिल्कुल के लिए। थोड़ी सी तो बनाएंगे। ठीक है, बनाएंगे। कम तो नहीं होगा? बहुत ज्यादा है इतना तो, मुझे अंदाजा नहीं है, ये अंदाजा बताती जाएंगी। बहुत ज्यादा हो जाओ भाभी। ज्यादा है? और सर बहुत ज्यादा है। कम कर गुलगुले। इलायची पाउडर नहीं लिया, वरना वो भी डाल देते अच्छा लगता। जो कमी है वो कल ला के दे देंगे, ठीक है? टाइम हो रहा है, गैस धीमी कर दो, आराम से आराम से आराम। ब्रेड चीज पकौड़ा ना, ठीक है? हाँ तुम देखो, तुम बना रही हो, मुझे क्या मालूम कितना ठीक है। मैंने इतना कभी खुद से ऐसे पूरे दिन बना रही थी। नहीं बनाओ इतने की, ब्रेड बासी है, एकदम ताजी नहीं। आप देखे, टूटती है फिर वो। ये बन रहा है शरबत, नींबू डाल के ही माने। पापड़ दे दे, पापड़। वहाँ सबल उनका हो गया हमारा, यहाँ पे तरबूज कट रहा है, शरबत बन गया है। सारे हमने फ्रूट्स काट लिए अपने। ये क्या बना रहे हो तुम? वो चने हैं, चने। हाँ। कच्चे चने, उसमें धूल सब डाल, ग्रीन ये। हाँ। और नमक। फ्रेंड्स आज फर्स्ट डे था ना, तो हम लोग को टाइम का अंदाजा नहीं मिला, इसलिए हर चीज बहुत क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट वे में, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो रहा है। कल से इंशाल्लाह पूरा तरीके से करेंगे, लेकिन सबकी हेल्प हो गई। देखो शादाब भी है, ये भी कर रहे हैं, वहाँ पे सब लोग हैं। अभी दस्तरखान बिछ गया है, अभी कैचअप निकाल के रख दिया है, और अभी ये शरबत रेडी हो गया। कितनी देर और बची? बस 16 मिनट बाकी। 16 मिनट, जल्दी आओ। माशाल्लाह, ये नींबू तरबूज के ऊपर हर चीज है। नींबू ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है पहले रमजान तुम्हारे ससुराल में? फ्रेंड्स सवा 6 बज चुका है, इफ्तार में जो है अभी से 15 मिनट बचे हैं, सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चल रही हैं। मेरा आज यहाँ पे पहला रोजा था, बाकी सबने पूरी हेल्प की है, मैंने तो ज्यादा कुछ भी नहीं किया, सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं। अभी क्या इस वक्त हो रहा है वो आपको दिखाती हूँ। सनी बेचारा बराबर से मेहनत कर रहा है। रुखसाना बाजी क्या आ गए, चलो आज जो मिल रहा है वो ला रहे हैं। आज काम चलो कल से सब तरीके से, बहुत सारे मेरे पकवाने बने हैं, और पता नहीं अंदर से टेस्ट कैसा होगा। अच्छा होगा। इसे मेन चीज तो बची हुई है करने के लिए, ये तेल नहीं हुआ, तेल हो चुका था, गलत टाइमी हो गई, और बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं, सबके फेवरेट, भाभी के तो ज्यादा फेवरेट। हाँ मेरे बहुत फेवरेट। चलो भाई तुम्हारे लिए अम्मा की तरफ से कुछ सरप्राइज है। क्या? दे भाई मम्मी कहाँ है? क्या है? अब है तुम्हारा ससुराल में पहला रोजा है, कुछ ना कुछ तो बनता है ना। अच्छा, रखो रखो जल्दी रखो। ये तो लेके आई मैंने, बताया भी नहीं है। अब
अकेले गई हूँ अल्लाह सही है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है। अम्मा की पसंद अच्छी है सूट में। ले बेहतर से भी ले लो। पहले रोज है तुम्हारा। हाँ भाई सही है। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ब्रेड पकौड़ा जो है वो सही बना हो, तो सब लोग टेस्ट कर रहे थे और बता रहे थे। बता रुखा ना बाजी, कैसा है पकौड़ा? टेस्टी है मम्मी के। मम्मी बताएगी अब। सबने दिल रखने को कह दिया। अच्छा बना। चलो ले। ये तुम्हारे गुरगुले क्यों शर्मा रहे हैं? आ क्यों मैदान में दिखाने के लायक नहीं। शर्मा रहे। खाना खा लिया है। यहाँ पे हमारे भी कुछ सामान एक्स्ट्रा जो भी कुछ गद्दे के कवर ये सारी चीजें हैं जो भी हम बाद में सेट कर देंगे। लेकिन हाँ, जो जो सबसे मेन चीज है वो है ये लाइट। हाँ, बंदी दीवानी होता है, सब काम छोड़ के सही लाइट लेना। ये अपने आप अकेले लाइट ले रही है। देखो लाइट्स मुझे पसंद है, सबको हाँ। पता है, आपको भी पता है। और अभी रमजान है, स्पेशली थोड़ा फेस्टिव फील के लिए अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ऐसी ऐसी जल्दी चेंज भी होती है। ये देखो अब हमने रोक दिया, अब ज्यादा अच्छी लग रही है। लाइट हाउस खोल लो ना, शादी ब्याह डेकोरेशन के लिए कॉन्टेक्ट करें। अभी आप यहाँ से ऐसे पूरा लुक देख सकते हैं और आप जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। ये साइड टेबल्स हैं जो हमारे बेड में जुड़ी जुड़ाई आई थी, तो यहाँ पे ड्रॉर्स हैं, ड्रॉर्स में वो सारी चीजें भरी हुई हैं जो इस्तेमाल की नहीं होती है, तो हमने यहाँ पे डाल दी हैं। ये जो पौधा है उन्होंने हमें दिया था, बस फोन रखे, टोपी रखे, चश्मे रखे, जो आस पास आप सबके फोन है। और यहाँ से जाके हमारे वॉशरूम है, जो की अभी मैं आपको नहीं दिखा रही, उतना क्लीन भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखा देती हूँ। पूरा नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ इतना दिखा देती हूँ कि ये मिरर हमने उस दिन कानपुर से लिया था, तो ये वाला है। सही है, सही है।